कर्क राशि कार्य क्षेत्र में वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है। आर्थिक लेनदेन को लेकर सहकर्मचारी से आपका वाद विवाद हो सकता है। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी रुका हुआ धन पुनः प्राप्त करने में आपको आंशिक रूप से ही सफलता मिले ऐसा संभव है। यह नए प्रस्ताव या आर्थिक रूप से लाभदायी अवसर का उपयोग करने में आप आंशिक रूप से ही सफल रहे ऐसा संभव है। शेयर बाजार में निवेश के लिए दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है। जहाँ तक संभव हो आज किसी भी प्रकार का आर्थिक जोखिम ना उठाएं और नजदीकी लोगों के साथ आर्थिक लेन देन ना करें। महिलाओं के लिए दिन मिश्रित रह सकता है। दिन के शुरुआती दौर में महिलाओं को आरोग्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर दिन आपके पक्ष में रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा। बुजुर्गों के लिए दिन मानसिक तौर पर तनावपूर्ण रह सकता है। आरोग्य के मामले में कुछ परेशानी संभव है। इस वजह से बुजुर्गों की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य आज निलंबित रह सकते हैं। किसी प्रकार की महत्वपूर्ण यात्रा भी आज निलंबित रह सकती है। अपने दिनचर्या में योग अभ्यास और आध्यात्मिकता को शामिल कर ले। इसके आधार पर आप तनाव को कम करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन आनंददायी और संतोषकारक रहेगा। जीवन साथी से पुरानी समस्याएं समाप्त होगी। संतान से जुड़े हुए अच्छे समाचार आनंद में बढ़ोतरी करेंगे। बहुत लंबे अंतराल के बाद जीवन साथी के साथ नजदीकी स्थल पर यात्रा हो सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा।